बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टाइप एनिमल टिश्यूज़ की डिस्कस करनी है, जो कि है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एपिथीलियम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एपिथीलियम टिश्यूज़ के, कि एपिथीलियम टिश्यूज़ जो हैं सिंगल लेयर्स पे कंसिस्ट करती हैं। इनके आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स भी हमने डिस्कस की थी, तो लेकिन ये बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं बिल्कुल डिफरेंट है एपिथीलियम टिश्यूज़ से। ये स्कैटर्ड होती हैं, फैली हुई होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, और ये फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं कनेक्शन का। दे परफॉर्म ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, यानी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करवाती हैं। इनका मेनली बेसिक फंक्शन होता है प्रोवाइड एनर्जी एंड गिव सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स की सपोर्ट जो है ऑर्गन्स को देना। इसके अलावा इनकी प्रेजेंस में हमने डिफरेंट टाइप्स इसमें डिस्कस करनी है, जो कि फर्स्ट टाइप है कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस जो कि हमारी इन एरियाज़ को कहा जाता है जो कि इजीली जिनको हम बेंड कर सकते हैं। कार्टिलेजेस में कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और ये कार्टिलेजेस जो एरियाज़ आ जाते हैं उसमें आ जाता है ईयर, ट्रेकिया और नोज़। इसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कार्टिलेजेस के, बोन्स में और ब्लड्स में भी जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज़ जिनको हम फैट टिश्यूज़ भी कहते हैं, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो कि हमारी किडनी, अंडर स्किन और एब्डोमेन में पाए जाते हैं। और इनका मेन, इन सब का मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना डिफरेंट ऑर्गन्स को। अब हम इसमें नेक्स्ट टाइप टिश्यूज़ की डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है नर्वस टिश्यूज़। नेक्स्ट हमारी टाइप है नर्वस टिश्यूज़, जो कि इसके नाम से पता चल रहा है कि दीज आर रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम और नर्वस। ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, एंड दे हैव एबिलिटी टू ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारे ब्रेन से ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स अफेक्टर, यानी जहाँ पे एक्शन परफॉर्म होना है। बेसिकली ये टिश्यूज़ कंपोज होते हैं नर्व सेल से। नर्व सेल वो सेल हैं जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, और ये ट्रांसमिशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनमें मैसेजेस जो हमारे ट्रांसफ़र होते हैं वो नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में होते हैं, जो कि ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। वहाँ पे डिसीजन होता है क्या एक्शन परफॉर्म होना है, क्या एक्शन परफॉर्म नहीं होना। अगेन उस मैसेज को वापस ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे उस मैसेज की नीड होती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए एनिमल टिश्यूज़ की, दो टाइप्स को डिस्कस किया। पहली थी कनेक्टिव टिश्यूज़, दूसरी थी नर्वस टिश्यूज़। नेक्स्ट वीडियो में हम मसल्स टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।